नमस्ते जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। एंड दिस टाइम फिर तो असी जा रहे हैं चंडीगढ़। तुसी कहना प्रभ भाई चंडीगढ़ की रखे है, तुसी जदों देखो उत्थे तुर पैंदे हो, की रखे है? विल लेट यू नो। ओके, चंडीगढ़ एक्सप्लोरेशन व्लॉग आएगा अज गाइस। ते किथे ना किथे पहुंच गए वादियां च। साडी सोहणी जी ड्रैगन नाल लैके जा रही है सानू, थोड़ा उड़दे उड़ांदे लैके जांदी पर आपां संभाल के लैके जांदे। ओके ओके, अज ठंड तो इदा है, कुल्फी ठंड है वीरे, चल रहा मौसम 9 डिग्री 10 डिग्री, धुप्प का कोई आसार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कितने ना कितने मैं क्या थोड़ा वादिया लुफ्त लेंदे लेंदे पहुँच जाइए। हैं बाकी थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पोंस गाइस, यू बिन शोइंग टू द वीडियोज, थोड़ा धन्यवाद शुक्रिया। तुसी इदा ही सानू चढ़दी कला च रखो तो आप चढ़दी कला च रखांगे। ओके जी, ओके जी, डन, लेट्स गो। ड्रैगन राइड, तो ये हम आ गए हैं नेशनल हाईवे चंडीगढ़, पहुंच रहे हैं। प्रभ भाई बातें कर रहे हैं हेलमेट में खुद से खुद, और घर आके क्या पता लगता है, हमें क्या पता लगता है कि गोप्रो का माइक अडेप्टर ही ख़राब हो गया, कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है ढंग से, कुछ भी नहीं ऑडियो, तो खुद से खुद ही बातें कर रहे थे। तो ये जो आप सुन रहे हो ये है मेरा वॉइस ओवर। मैंने कहा कुछ तो व्लॉग को बचाना पड़ेगा, व्लॉग में जान डालनी पड़ेगी, तो इसलिए गाइस पोपट के लिए माफ़ी, और जस्ट बेयर विद मी। ओके थैंक यू। तो चल रहे हैं मस्त जा रहे हैं। ओके, वादियों में नज़ारे ले रहे हैं, और यहाँ प्रभ भाई कह रहे हैं कुछ भी कर दिया करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, साथ ही साथ जो भी नए जुड़ रहे हैं, दिस इज़ प्रभ एन ऑटोमेशन डेवलपर, एंड घर पे करते हैं कोडिंग, बाहर आगे करते हैं राइडिंग प्लस व्लॉगिंग। चल रहे हैं मक्खन हाईवे, 6 लेन 4 लेन चलता जा रहा। Let's see. लियो पंजाब पुलिस ना है, ऐसा कैसा हो सकता है। बट हमें कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जाओ करो व्लॉगिंग। तो ये वो चौंक है जहाँ से अगर लेफ्ट लो तो मनाली पहुँच जाओगे, समझो। ये चेक करो द व्यूज। ये प्रॉपर कैनाल बना रखा है, प्रॉपर ब्लू वाटर है इसमें। प्रॉपर ओवर का व्लॉग देख रहे हो, उसमें नदी ना है, कैसे हो सकता है रे बाबा। तो ये तो ज़रूरी है ब्रो, तो अपने ऑडियंस के लिए हमेशा नेचुरल वाटर बॉडीज हाजिर हैं। ओके ये लो टाइम लैप्स का नज़ारा लो ज़रा। हाईवे पे रुकते हुए एकदम ठंडी कुल्फी हवा चल रही थी। टू व्हीलर्स देखोगे ना इस टाइम लैप्स में, कोई नहीं देखेगा, बहुत ही गिने चुने, क्यों? और जो है वो है भी लोकल, और हमें देखो ऐसी कुल्फी ठंड में, देखो बादल, मतलब आसमान में सूरज दादा का तो नामो निशान नहीं, और हवा तड़कती भड़कती ठंड, लेट्स गो। और ये चेक करो गाइस, ये जो डाइवर्जन देख रहे हो ना चंडीगढ़ जब एंटर करोगे, ये बहुत मेजर डाइवर्जन आती है, और इसी स्पॉट पे, एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे जहाँ ये ग्रीन बोर्ड है ना, यहीं पे ऐसी गाड़ी ठुक रखी है ना, आगे आप व्लॉग में देखोगे कि क्या भयंकर सीन हो रखा था। भयंकर मतलब बहुत भयंकर, लाइफ टेकिंग ब्रो, लाइफ टेकिंग। तो आगे आप व्लॉग में देखोगे, लेट्स गो। और प्लीज़ जो भी आ रहा हो चंडीगढ़ ध्यान रखना, उस साइड डाइवर्जन आती है रात में स्पेशली। ओके थैंक यू। तो ये हम पहुंच रहे हैं हाईवे, ये जस्ट आपको दिख ही गया होगा कि आसपास चालू हो गया है, खड़ड़ आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। ग्रीन फील्ड्स के नज़ारे में दिखा रहा था कि सूरज का नामो निशान नहीं है, देख ही रहे होंगे, 2 सेकंड के लिए आता है और 2 घंटे गायब। तो 10 डिग्री और जिस स्पीड पे हम राइड करते हैं उसमें 5 डिग्री में राइड करते हुए, इन पहाड़ों जैसे पेड़ों का नज़ारा लेते हुए पहुंच गए। लो चंडीगढ़ स्टाइल मार्केट्स ऑलरेडी हेयर ब्रो, हाई राइजेस ऑलरेडी हेयर। चल रहे यहाँ पे आके लगता है कि हाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, चल रहे हैं मस्त जा रहे हैं। और यहाँ का एक असूल सही लगता है कि यहाँ ड्राइविंग ना लोग बहुत सही करते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ उससे तो काफ़ी बेटर ही करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ रोड्स, मे बी समथिंग एल्स ब्रो, वी डोंट नो। ये क्या है, रब भाई ने इशारा किया, कुछ इशारा किया जो कि मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला था। क्योंकि हम हेलमेट में खुद से खुद बातें कर रहे थे और रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। कंट्रोल।
तो ये आ रहे हैं हम खरड़ की तरफ पहुंच रहे हैं। तो जिस किस को लग रहा हो मे भी, अरे ब्लॉगिंग ही तो कर रहे हो क्या, ऐसा को काट लिया तुमने, बट नहीं ब्रो, करके देखो तो पता लगेगा। तो यहाँ आ रहे हमारे स्मॉल टाउन मार्केट्स, आउटलेट्स सब मिल जाएगा यहाँ पे ब्रदर, सब कुछ यहाँ पे। ये खरड़ है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए हो एज अ वर्किंग स्टूडेंट और जस्ट एज अ स्टडिंग कॉलेज जाने के लिए, यहाँ पे सब मिलेगा ब्रो। ओके, ये अगर हम हाईवे यहाँ पे ऊपर चढ़ जाते हैं तो सीधा चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं, बट हम नीचे से जाते हैं। लेट्स सी कौन सा रास्ता ले रहे हैं प्रभ भाई, चेक कर लो खुदी। पहुँच के तो ये हम खड़े हुए हैं लांड्रा चौक पे, और सामने ही हमारा पड़ता है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। यहाँ प्रभ भाई विचार कर रहे हैं कि बिरयानी खाई जाए, क्योंकि आए हैं तो यहाँ शम्मा बिरयानी नहीं खाई तो ब्रो क्या किया हूँ, इसलिए बिरयानी इज़ अ मस्ट ब्रो। तो प्रभ ब्रो के लोग आपको खाना भी दिखेगा। नॉन वेजिटेरियंस के लिए समझ लेना कि वो पनीर है, या वो समझ लेना सोया चाप है, या कबाब में हड्डी। तो सब एकदम लॉयल लोगों की तरह वेट करते हुए, यहाँ पे एक्चुअल में वीआईपी मोमेंट चल रही थी, वीआईपी के चक्कर में हमारे लग जाते हैं। लेट्स गो, लियो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हियर ब्रो। Getting to it. Now I'll show you, just इसके आगे 2 किलोमीटर आगे TDI सोसाइटी आती है जहाँ पे मैं रहता था 2 साल पहले, तो आपको दिखाते हैं कि कैसी सोसाइटी है। सी ये आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी, सामने कनॉट प्लेस, और यहाँ से यू टर्न लोगे तो ये मिल जाएगा आपको TDI सोसाइटी। यहाँ पे क्या है, अफोर्डेबल फ्लैट्स प्लस TDI होम्स, तो प्रॉपर सोसाइटी। लो एंट्री हो गई है, चेक करो। यहाँ पे शुक्र करो सिक्योरिटी गार्ड ने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो आप यहाँ 2 साल बाद, आप तो यहाँ रहते भी नहीं हो। बट नहीं, सी पाम ट्रीज, नाइस होम्स, इंडिविजुअल होम्स, और यहाँ पे हमारी छोटी सी मार्केट मिल जाएगा आपको, किराना, डेली नीड्स, कैफे, खाना पीना सब यहीं पे ब्रो। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है जब अपनी सोसाइटी सब दे रही है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं बता रहा था गाइस, इंडिविजुअल होम्स, कोठी डालनी है पंजाबियों नूं, तुहानूं पता कोठियां दा किन्ना शौक है। तो जो कोठी पानी है तो इत्थे पा सकदे हो, जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम मोहाली, एंड खेतों के मज़े, मतलब शोर शराबे में रहने की ज़रूरत नहीं है ब्रो। तो यहाँ पे भी फ्लैट शुरू हो जाते हैं, बट देर आर इंडिविजुअल होम्स, जैसे हम कह सकते हैं कोठीज ऑल्सो। सी चेक करो, जगह अवेलेबल है, ऐसा मत सोचना कि सब भर गया और सब बिक गया, नहीं है, अवेलेबल है ब्रो, है, मौका मार लो और ले लो अगर किसी को मन है तो। क्योंकि दिल्ली वाले तक चंडीगढ़ मोहाली आ रहे हैं क्योंकि दे नो कि रियल लाइफ इज़ हेयर ब्रो। वहाँ पे थोड़ा दिल्ली इज़ दिल्ली ब्रो, यू नो। तो चेक करो यहाँ पे ऐसे घर बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, आज की डेट में भी बन रहे हैं, जब मैं पहले रहता था तब भी बन रहे हैं, और अब तो बहुत ही बन गए। सी मस्त रहो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई फालतू लोग नहीं, अपना घर डालो, पेट्स रखो, जैसा रहना रहो, मतलब समझ रहे हो। ये देखो, तो ये हम एंटर कर रहे हैं फ्लैट्स की तरफ। तो यहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट्स मिलते हैं, दोनों साइड आपको फ्लैट्स ही फ्लैट्स दिखेंगे, 3-4 फ्लोर आराम से, दूर तक देख लो सामने पूरे फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे 2 दोस्त और रहते थे, टोटल 3 लोग। तो पर फ्लैट उस टाइम 2 साल पहले पड़ता था 10,000, तो 3 लोग समझ लो 3,300 में। अब 3 रूम्स, ड्राइंग रूम है, लॉबी, किचन, बालकनी तक मिल जाती है, व्यूज़ मिल जाते हैं खेतों के, तो और क्या चाहिए ब्रो। तो यहाँ से हम निकलते हुए, मैंने अपना पुराना रूम भी पीछे देख लिया था, सब सही है। सोच रहे थे उस फैमिली से मिलने, तो मैं एक किस्सा बताता हूँ यहाँ का, क्या चक्कर हो गया था जो मेरा लॉकडाउन में, मैंने यहाँ से निकलना पड़ा, समझो जैसे ही सडन लॉकडाउन हो गया, तो मैं यहाँ से गया, जस्ट घर गया, सामान नहीं लेके गया, मुझे लगा आएंगे वापस फिर सारा सामान लेके जाएंगे। तो जॉब छोड़ के अपना वापस जलंधर गया, इतने में 2-3 महीने में क्या देखता हूँ, एक मेरा रूममेट वहाँ पे 2-3 महीने से रह रहा था लॉकडाउन में, उसने क्या किया कि पूछा ज़रा अपने ओनर, जो फ्लैट ओनर को, कहता कि मैं जा रहा हूँ, और जब फ्लैट ओनर ने पूछा कि जो मेरा सामान है उसका क्या करें, कहता दान में दे दो। तो ऐसे ऐसे महाशय हैं,
ना मुझे उसने बताया कि मैं जा रहा हूँ, ना कोई खबर नहीं, गए कुछ नहीं। तो ऐसे महापुरुष हैं जिनको अब मैं क्या ही बताऊँ कि ऐसे मंदबुद्धि लोग भी मिल जाते हैं तुम्हें ज़िंदगी में। कहता दान में दे दो, क्योंकि नई फैमिली शिफ्ट हो रही थी। वो तो किस्मत की बात है गाइस कि जो फैमिली शिफ्ट हुई, जब मैं 3-4 महीने बाद आया, सोचो, उसी फ्लैट पे अपना सामान लेने, स्पेशल टैक्सी गई मेरे साथ, और पहले मैंने बाइक उठाई बस स्टैंड पे, जो 2-3 महीने से वहीं खड़ी थी, पार्किंग दी 3 महीने की, फिर वहाँ से बाइक ली, यहाँ आया। सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं नहीं आने देंगे ब्रो। मैंने फिर पीछे खेतों से रास्ता पकड़ा, 2 किलोमीटर पैदल चल के गया। फैमिली इतनी बढ़िया, फुल पैक्ड कपड़े, उन्होंने एक एक मोज़ा तक मेरा पैक करके रखा हुआ था, और 2 बड़े बड़े बैग मैं उठा के लेके गया 2 किलोमीटर। फिर बाहर गया, फिर मैंने टैक्सी में ठूसे, और फिर हम बैक टू जलंधर आए। तो ऐसा ऐसा सीन भी हो जाता है। तो लकी थे, लकी कह सकते हैं, या अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं ब्रो। इट्स जस्ट दैट जो गुडनेस है ना गाइस, इट्स ऑलवेज साइलेंट, यू नो। और जो हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये सब, दीज आर ऑल लाउड। यू सी देम मोर बिकॉज दे आर सो लाउड, एंड वो ईजी टू फ्लो है, यू नो। आग जल्दी लग जाती है उन चीज़ों में, बट यू नो वेयर टू फॉलो। ओके, स्टे कॉन्शियस एंड स्टे गुड इन साइड, नॉट जस्ट टू शो दैट यू आर गुड। तो जस्ट आपने पीछे देखे कि वो जो हाई राइजेस थे वहाँ पीछे बन रहे हैं, और ये मैं दिखा रहा हूँ अपना पुराना ऑफिस, कि यहाँ पे हम काम करते थे। यहाँ पे अपनी कैब्स का भी एक कंपनी खोली हुई है, जिसमें आप कैब लेने के लिए बिड कर सकते हो कि 100, 200, 300। अगर वो तुम्हारी 200 वाली बिड पे मान गया तो पहुँच जाएगा, समझ रहे हो। तो कैब के लिए भी बेटिंग कर सकते हैं। ऐसी ऐसी इनोवेशन चल रही है यहाँ पे मोहाली में, देख रहे हो। हिट लाइक अगर नहीं पता था आपको, हाँ कॉमेंट कर दिया करो छोटा मोटा, ये जस्ट देख देख के मज़े मत लूटो। नाइस। तो वी आर गोइंग, ये यहाँ पे जीआर टावर और भी एस्टेब्लिशमेंट्स बन रही हैं आने वाले टाइम में। ये एक और आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी है ही, ये तो और डेवलप हो जाएगा। ये प्रभ ग्रोवर जी जा रहे हैं मोहाली की तरफ, ऑलरेडी मोहाली में ही है, मोहाली की तरफ क्या। तो चेक करो 6 लेन रोड्स, व्हाट मैन, चेक कर रहे हो। ऐसा मतलब ज़िंदगी में और क्या चाहिए। हाँ, क्लीन सिटी, हर तरफ पेड़ ही पेड़, प्रॉपर पार्किंग, हर चीज़ मस्त है कि नहीं। जा रहे हैं, सेक्टर ऊपर लिखे हुए हैं कि यहाँ पहुँचो वहाँ पहुँचो, नो बजूरी ऑफ रिमेम्बरिंग द सेक्टर नेम्स, गॉट इट। ये रुक रहे हैं शांति से चौक में, जैसे लोग रुक रहे हैं। ये चेक करो सेक्टर मार्केट्स, सेक्टर मार्केट्स की मैं क्या बताऊँगा इसमें सीन पता क्या है, हर जगह आपको तितर बितर नहीं मिलेगा हर चीज़ के, एक शॉप में आए, एक शॉप में आए। सेक्टर मार्केट कौन सो, हर का सामान लो, हर चीज़ लो, अंडे पंडे हैं, और 2 जगह चीज़ें खानी हो, स्प्रिंग रोल, मोमो, बिरयानी खा पुल के, बस एक ही जगह पे सारा काम हो जाता है। तो ये पैसे की एरिया पंचकूला मोहाली चंडीगढ़ मैंने डिज़ाइन ही ऐसा किया, लेवल टू कम अ बिग सिटी आपके सामने है, क्या बढ़िया सिटी है, गुरुद्वारा हो गया, वाहेगुरु ये पड़ गया। शाम, सूरज ज़्यादा चले गए हैं, रात का टाइम चालू हो गया। ओके, रात को भी अलग ही सीन है। अरे ये क्या, रैपिडो राइडिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वेटिंग फॉर इट। तो मैं यही बता रहा था, चेक करो ये सेक्टर मार्केट, सेक्टर प्रॉपर है ना ब्रो, सब कुछ एक जगह, टेलर चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, और क्या, और मतलब क्या क्या होता है, जो भी सब चाहिए मिल जाएगा ना ब्रो। गेट टू द सेक्टर मार्केट एंड गेट इट डन। ओके ओके, तो क्या होता है ना यार, डे लाइट कम है ना, तो बस ये व्लॉगर्स के लिए ये बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ लड़की कह रही गोप्रो देख के, कह रही अरे व्लॉगर है व्लॉगर, आजकल गोप्रो देख के समझदार लोग पहले ही समझ जाते हैं व्लॉगर है। बट यूट्यूब ब्रांडिंग चालू करनी पड़ेगी बाइक पे, अभी तक गाइस मैंने यूट्यूब ब्रांडिंग नहीं लगाई हुई बाइक पे। तो ये चेक करो द लाइटिंग, द शाम के माहौल, द इवनिंग वाइब्स ऑफ मोहाली चंडीगढ़। अभी तक तो शुक्र करो चंडीगढ़ पुलिस से पकड़ा नहीं है हमें, कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। थोड़ी उनकी दया से चल रहा है काम, थोड़ी उनकी दया, बाकी अपनी समझदारी। बाकी हमने ड्रैगन में डीबी क्लर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आवाज़ को कर देता है मफल, यू नो, डीबी मफलर भी कहते हैं उसको। प्लस सी दे वाइब्स, चेक करो इवनिंग वाइब्स ना, नाइस है ब्रो,
ट्रैफिक मैनेजेबल, कुछ ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं, आराम से चिल करो, इधर उधर देखो, घूमो, खाओ, पियो, और नाइट लाइफ भी मस्त है चंडीगढ़ की। चलो नाउ, ओ प्रभु लाइट है चालू कर दी, कुछ ज़्यादा ही ब्राइट नहीं हो गया? यहाँ पे मैं दिखा रहा था गाइस, चेक करो कहाँ हमारी कंफर्ट की ज़िंदगी, और ये देखो सामने टेम्पो जा रहा है छोटा सा, पांच बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, और इतनी ठंड है ना, उस टाइम इतनी ठंड थी गाइस, 60 डिग्री हो रहा था, तो खुद हिसाब लगा लो कहाँ हम छोटी मोटी चीज़ों के पीछे रोते रहते हैं, और ये यहाँ देखो। तो यू हैव टू सी कि जो भी ज़िंदगी के हालात है ना, कैन यू ब्लेंड इट, कैन यू मोल्ड इट टू योर फेवर? इफ़ यू कैन प्लीज़ डू इट एंड कीप ऑन गोइंग। तो यहाँ ये चेक करना, अबे आगे ना कोई लिफ्ट मांगता है मुझसे, बट मुझे समझ आ रहा था कि कुछ पीप हुई है, इसलिए ना रात को बहुत रिस्क हो जाता है। ये देखना, ये देखो, तो वो क्योंकि दूसरा बंदा उसको संभाल रहा था और दूसरा कह रहा है लिफ्ट लिफ्ट रात को ना गाइस रिस्क हो जाता है, माई हेल्पिंग नेचर स्टॉप्स मी, वाई? बिकॉज अपने लिए रिस्क हो जाता है कि क्योंकि पीछे वाले बंदा अगर डिसबैलेंस होगा ना, पीछे बैठा हुआ, तो कहीं मेरा ही डिसबैलेंस हो गया, कहीं ऊपर की तरफ ना पहुंच जाए सी। अरे ये चेक करो, द लाइटिंग, द मॉल्स, द आउटलेट्स, बढ़िया सीन्स है। ऐसी कोई मतलब जो कहोगे ना, दिल्ली के अलावा, दिल्ली के ट्रैफिक और पोल्यूशन के अलावा यहाँ सब मिल जाएगा। ओके तो ये आपको चंडीगढ़ मोहाली एक्सप्लोरेशन ब्लॉग कैसा लगा गाइस? आई नो नॉट अ बिट प्रॉपर ब्लॉग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग एज आई एम ग्रोइंग, तो देख लेना मेरे एफर्ट्स प्लीज़, थैंक यू। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे धुआंधार देख रहे हो, जो मैंने डाइवर्जन पॉइंट दिखाया था, ये देखो पूरी एक गाड़ी आग लग गई, पूरी जल के राख हो चुकी है, काली एकदम, एम्बुलेंस आ रखी, फायर इंजन आ रखा है, पुलिस आ रखी है। ओ हो, इतना भयंकर एक्सीडेंट। मैं बस यही प्रे कर रहा था कि जो इस गाड़ी में थे लोग वो किसी ना किसी तरह सेफ हो। वो देखो मतलब दिल दहल गया था कि ऐसा एक्सीडेंट था, ये जल के राख हो रखी है ब्रो, खत्म गाड़ी एकदम। गाड़ी को कहते हैं ना पुर्जा पुर्जा उड़ के, ये जो धुआं देख रहे हो ना हवा में, एक तो फॉग है ही है, पर ये फॉग से ज़्यादा धुआं था, क्योंकि मुझे पूरी पूरी स्मेल आ रही थी प्रॉपर। गाइस हिसाब लगा लो कि कितनी देर से इसको आग लगी होगी गाड़ी को। तो प्लीज़ अब इन हाईवेज पे होते हो तो प्लीज़ थोड़ा गूगल मैप्स देख लिया करो, थोड़ा डाइवर्जन्स चेक कर लियो, क्योंकि गूगल मैप्स वोंट लेट यू नो द डाइवर्जन्स, और ये बहुत मेजर डाइवर्जन है। सो जस्ट प्रेइंग के जो अंदर लोग बैठे थे वो सेफ एंड साउंड हो। फ्यू फ्यू फ्यू, यहाँ पर प्रभु जी ने चालू कर दी अपनी ऑक्स लाइट्स। ये फॉग देख लो खुद ही, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आसमान से क्या आ रहा है कुछ आगे जाके तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, तो बाकी आगे मैंने ब्लॉग ही इतना नहीं किया क्योंकि क्या दिखाऊँगा आपको, टोटल फॉग, नथिंग एल्स ब्रो। तो ये पहाड़ों के मज़े देख लो, अब प्लेन्स में ऐसे ही आ जाते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा तो ये सीन्स चेक करो, कुछ ना दिख रहा, ये तो अभी भी स्टिल दिख, और गोप्रो ज़्यादा देख पाता है गाइस, इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू, गोप्रो में ज़्यादा दिखता है पर आँखों से कुछ दिख ही नहीं आ रहा होता कि क्या है, कहाँ है कुछ है। ये लो पीली लाइट चालू, और यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चक्कर है। ये ना एडजस्टेबल लाइट्स हैं, रोटेट कर सकते हैं इसको। तो ये देख लो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठंड कड़ाके की, हाथ तक नहीं चल रहे थे। तो आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने ग्लव्स पिछले लोग अगर आपने देखा है तो ग्लव्स हमारे लुढ़क गए थे जैसे ही मैंने बोला कि आंसू टपक गया, और वहाँ से मेरे ग्लव्स एक्चुअल में टपक गए लिटरली सेम टाइम पे। ये हमने फॉग लाइट्स एडजस्ट कर ली हैं, ये देखो लेवल ऊपर कर दिया दोनों का, अब हमें दूर तक दिखेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा ब्लॉग, कुछ भी एफर्ट्स आपको दिखे हो, मेहनत लगी हो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रो, और मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और इससे काफ़ी बेटर होगा ब्लॉग, पटाखा ब्लॉग भी कमिंग सून गाइज, स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय। Ooh.